गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फेज इक्विलिब्रियम, जिसके पार्ट नंबर 6 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 तक हमने कर लिया। हम कर रहे थे दो घटक तंत्रों के प्रावस्था साम्य की बात, जिसके अंदर घटक का मान 2 यानी कि कंपोनेंट का मान 2, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सी का मान हम 2 रखते हैं। तो दो घटक तंत्रों की हम बात कर रहे थे, जिसके अंदर अगर एक ही प्रकार की प्रावस्था होती है तो हम उस टाइम एक घटक को स्थिर मान लेते हैं या एक चर को स्थिर मान लेते हैं, घटक को नहीं वही चर को स्थिर मान लेते हैं। तो इसीलिए जो स्वतंत्रता कोटि का मान हमने रखा f बराबर c माइनस p प्लस 2 माइनस 1, एक माइनस किया तो f बराबर c माइनस p प्लस 1, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। और इस फॉर्मूले के अंदर c का मान क्या रखते हैं, मीसा के लिए 2 रखते हैं। दो घटक तंत्रों की बात कर रही है, जिसके अंदर हमने एक सिस्टम कर लिया था जिसका नाम है बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम, और अब हमारा दूसरा सिस्टम आता है पीबीएजी तंत्र। पीबीएजी तंत्र या लेड सिल्वर सिस्टम, जिसके लिए हमने फेज डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हम संगठन को शो कर रहे हैं, यहाँ हम टेम्परेचर को शो कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास में ये बिंदु ए और ये बिंदु बी और ये बिंदु सी होता है, बिंदु ए जो है वो पी बी का गलनांक वक्र है और बिंदु जो बी है वो ए जी का गलनांक बिंदु है, और सी जो है वो दोनों का यूटेक्टिक पॉइंट है। सी जो है वो दोनों का यूटेक्टिक पॉइंट है। इसके आधार पर अपने क्या कर सकते हैं, एक में जब दूसरा मिलाते जाते हैं तो इनके गलनांक में कमी आती जाती है। गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गलनांक बिंदु है, किसका, पी बी का या लेड का। तो इसके कुछ भाग इस प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले हम बकर ए सी की बात करते हैं, बकर ए सी की बात करते हैं। ए बिंदु जो है पी बी का गलनांक बिंदु है, जैसे ही इसमें सिल्वर मिलाते जाते हैं वैसे वैसे इनके गलनांक में कमी आती जाती है, और गलनांक में कमी आती जाती है और सी बिंदु पर आकर के इनका टेम्परेचर 303 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रह जाता है और गलनांक 303 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। उस टाइम पी बी के अंदर ए जी की मात्रा 2.6% हो जाती है। ये हम बात कर रहे थे बकर ए सी की। फिर हम बकर बी सी की बात करें, बकर बी सी जो है वो ए जी का गलनांक बकर है। ए जी का गलनांक बिंदु 961 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। जब धीरे धीरे इसमें पी बी मिलता जाता है इसका गलनांक कम होता जाता है, और बिंदु सी जिसका टेम्परेचर है 303 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पर आ जाता है, और गलनांक बकर बिंदु सी पर आकर के जो मिश्रण बनता है उसको बोला जाता है यूटेक्टिक मिश्रण। क्या बोला जाता है, यूटेक्टिक मिश्रण बोला जाता है। उसके बाद में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बिंदु सी की बात करते हैं। बिंदु सी जो एक यूटेक्टिक पॉइंट होता है, यूटेक्टिक मिश्रण होता है, जिसके अंदर जिस बिंदु पर तीन चीज़ें मिलती हैं, यूटेक्टिक ठोस और लिक्विड फॉर्म आकर के मिलती हैं, दोनों ठोस सिल्वर व दोनों की जो द्रव अवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर मिलती हैं, तो प्रावस्था का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। कंपोनेंट का मान 2 है,
तो स्वतंत्रता कोटि का मान f बराबर c माइनस पी प्लस में वन, दो इसका मान है इसका तीन प्लस वन, तो f f का मान शून्य आता है। तो ये क्या होता है, चर सिस्टम होता है। बिंदु c जो होता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये तो कुछ बक्कर थे हमारे पास। अब हम कुछ क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, इसके अंदर करते क्षेत्रों की बात करें। क्षेत्र हमारे पास कई प्रकार के क्षेत्र बन सकते हैं, ए सी डी या डी सी ए क्षेत्र, जिसमें ठोस और लिक्विड साम्यावस्था में होते हैं। बी सी डी क्षेत्र, जिसमें ठोस और लिक्विड साम्यावस्था में होते हैं। ए सी बी के ऊपर का क्षेत्र, जिसमें लिक्विड फॉर्म होती है। डी सी डी डैश के नीचे का क्षेत्र, जहाँ पर ठोस और यूटेक्टिक आपस में साम्य में होते हैं। ये इतने प्रकार के क्षेत्र हमें मिलते हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। जैसे क्षेत्र नंबर एक, डी ए सी का क्षेत्र, डी ए सी का क्षेत्र, डी ए सी का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर हमारे पास क्या है, ठोस पी बी है घेरा और प्लस लिक्विड फॉर्म है, तो दो परावस्थाएं साम्य में है और P का मान कितना आता है, दो आता है। तो F बराबर C माइनस पी प्लस में दो, तो F बराबर दो माइनस दो प्लस वन, तो F का मान एक आ जाएगा। तो यह एक चर सिस्टम होगा। फिर उसके बाद में हम आगे कोई क्षेत्र की बात करते हैं, B C D, बी सी डी डैश के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर क्या आता है, एक तो हमारे पास ठोस ए जी है और प्लस एक क्या है, लिक्विड है। इसका मतलब दो परावस्थाएं साम्यावस्था में हैं, तो पी का मान कितना आएगा, दो आएगा। तो पी का मान दो और C का मान भी दो है, तो F बराबर C माइनस पी प्लस वन, तो F बराबर दो माइनस दो प्लस वन, तो F का मान आ गया एक। तो क्या हो जाएगा, एक चर सिस्टम होगा। उसके बाद में अगला क्षेत्र हमारा है ए सी बी के ऊपर का क्षेत्र, ए सी बी के ऊपर का क्षेत्र, जिसमें गलित द्रव उपस्थित है, या अपने कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म उपस्थित है, एक ही फॉर्म है, तो P का मान एक आएगा। तो F C माइनस पी प्लस वन, दो माइनस एक प्लस एक, F का मान दो आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, द्विचर सिस्टम हो जाएगा, द्विचर सिस्टम हो जाएगा। उसके बाद में डी सी डी डैश के नीचे का क्षेत्र, डी सी डैश के नीचे का क्षेत्र, नीचे का क्षेत्र, जिसके अंदर ठोस और यूटेक्टिक दो परावस्थाएं साम्य में हैं, तो पी का मान कितना है, दो है। तो एफ सी माइनस पी प्लस वन, दो माइनस दो प्लस वन, तो F का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये एक चर सिस्टम होगा, एक चर तंत्र होगा। ये हमारा था PBAG सिस्टम, जिसके अंदर A बिंदु PB का गलनांक बिंदु, या AC बकर PB का गलनांक बकर होता है, और B बिंदु AG का गलनांक बिंदु, BC बकर ए जी का गलनांक बकर होता है। ए सी बी सी, सी पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट होता है, जहाँ पर तीन परावस्थाएँ साम्यावस्था में होती हैं, इसलिए पी का मान यहाँ तीन आता है और एफ का मान शून्य। तो यह एक शून्य शून्य, तो यह एक एचर सिस्टम माना जाएगा। क्षेत्र
ए डी ए सी का क्षेत्र जिसमें ठोस पी बी और लिक्विड साम्यावस्था में है, तो पी का मान 2 आएगा तो एफ 1 आ जाएगा। एक चर सिस्टम बी सी डी डैश के मध्य का क्षेत्र जिसमें ए जी और लिक्विड साम्यावस्था में है, तो पी का मान 2 आ जाएगा। स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा। एक चर सिस्टम ए सी बी के ऊपर का क्षेत्र ए सी बी के ऊपर के क्षेत्र में लिक्विड अवस्था है तो परावस्था एक ही है तो स्वतंत्रता कोटि का मान 2 आ जाएगा। और डी सी डी डैश के नीचे का क्षेत्र ठोस और यूटेक्टिक है जिसके अंदर, तो पी का मान 2, इसलिए एफ का मान 1 आएगा और यह एक चर सिस्टम होगा। अब हमें इसी के अंदर क्या करना है, लेड का विरजतीकरण करना है। विरजतीकरण लेड का क्या करना है, विरजतीकरण करना है। डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, लेड को अलग करना है तो लेड का विरजतीकरण करने के लिए सबसे पहले हम लेड का नमूना लेते हैं। कितना सैंपल, नमूने का मतलब सैंपल लेंगे कितना, 0.1 ग्राम के आसपास या इससे भी कम, तो हम उसको इतना गर्म करेंगे कि वो पिघल कर पूर्ण रूप से द्रव अवस्था में आ जाए और उसको हम क्या करेंगे, एक्स से शो करेंगे। उसके बाद में उसका शीतलन कराएंगे धीरे धीरे तो वो वाई तक पहुंच जाएगा, वाई पर पहुंच जाएगा और बक्कर एसी पर आ जाता है और इससे शुद्ध लेड पृथक होना क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। और शुद्ध लेड पृथक होते होते शेष द्रव में सिल्वर की जो प्रतिशत मात्रा जो बचती है वो बिंदु सी पर आता है, तब इसमें 2.6% रह जाती है। तो ये था लेड का विरजतीकरण। लेड का विरजतीकरण करवाने के लिए हम क्या करेंगे, लेड की बहुत कम मात्रा लेंगे, 0.1 से भी कम या इससे भी कम, और उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे जिसे एक्स से शो किया जाएगा, फिर उसका शीतलन करेंगे वाई से और उसके बाद में एसी बकर पर आ जाएगा और एसी बकर पर आ जाता है तो शुद्ध ठोस लेड पृथक होना प्रारंभ हो जाता है। शुद्ध लेड से पृथक होते ही शेष द्रव में सिल्वर की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाएगी और इस तरीके से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये जो शुद्ध अवस्था में लेड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बिंदु टी से क्षैतिज और या फिर अपने कह सकते हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, जो बिंदु एस पर या बी सी बकर को बिंदु एस पर और सी डी बकर को बिंदु आर पर काटती हैं, इन रेखाओं को बोला जाता है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स रेखाएं। इन रेखाओं को बोला जाएगा सॉलिड्स एंड लिक्विड रेखाएं, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड्स रेखाएं इसलिए बोला जाता है कि सॉलिड्स रेखाओं पर जो एजी है वो सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगा और लिक्विड्स रेखाओं पर एजी लिक्विड्स फॉर्म में प्राप्त होगा, और इन रेखाओं को जोड़ने पर एक रेखा बनेगी जिसको टी रेखा या टाई रेखा कहते हैं। इन रेखाओं को ऐसे जोड़ेंगे तो टी की फॉर्म आ जाएगी, इसलिए इसको टाई रेखा नाम भी दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये था पी बी ए जी सिस्टम जो कंप्लीट हो गया। ये था दो घटक तंत्रों के प्रावस्था समय। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशंस। ठोस विलयन की बात कर रहे हैं हम, तो दो ठोसों के जो समांग मिश्रण होंगे
उनको ठोस विलयन कहा जाएगा। और ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सर्वांग गलनांक वाले और एक असर्वांग गलनांक वाले। एक तो होते हैं सर्वांग गलनांक वाले, एक होते हैं असर्वांग गलनांक वाले। एक तो होते हैं सर्वांग गलनांक वाले और दूसरा होते हैं असर्वांग गलनांक वाले। एक होते हैं सर्वांग गलनांक वाले, एक होते हैं सर्वांग गलनांक वाले। सर्वांग गलनांक वाले जो होते हैं उनमें किन्हीं भी दो ठोस को आपस में मिला करके विलयन बनाया जाता है, तो विलयन बनाने के बाद में वो अपने नियत गलनांक से पहले विघटित ही नहीं होते। जिस टाइप का उनका नियत गलनांक है उसी पर विघटित होंगे, इसलिए इनको बोला जाएगा सर्वांग गलनांक वाले ठोस विलयन। और इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा MGZN सिस्टम, अभी पढ़ेंगे हम MGZN सिस्टम। ये एग्जांपल इसका है क्योंकि इनमें एक निश्चित गलनांक बिंदु पर ही आकर के ये विघटित होंगे। और असर्वांग गलनांक वाले जो ठोस विलयन होते हैं उनके अंदर किन्हीं भी दो ठोस को मिला दिया जाए और मिला करके ठोस विलयन बना दिया जाए तो वो अपने गलनांक से पहले ही विघटित हो जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सर्वांग गलनांक वाले विलयन। तो इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये ठोस विलयन दो प्रकार के थे, सर्वांग गलनांक और असर्वांग गलनांक, जिसके अंदर पहला सिस्टम आता है MGZN सिस्टम। MGZN सिस्टम यानी सर्वांग गलनांक के अंदर ये एग्जांपल आता है MGZN सिस्टम का। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। पहले आप भी साथ साथ इसका डायग्राम बनाओ।
ये हमारा था MGZN सिस्टम के अंतर्गत MGZN सिस्टम, जिसके अंदर ए बिंदु या ए सी जो बकर है वो जिंक को शो कर रहा है, और यहाँ पर जिंक और इस क्षेत्र में लिक्विड, तो जिंक और लिक्विड आपस में साम्यावस्था में है, और इस तंत्र में जो यौगिक बनता है दोनों की रिएक्शन से वो बनता है MGZN की ट्वाइस और ऊपर गलित अवस्था है तो गलित अवस्था में साम्य में होता है। तो यहाँ पर जिंक का जो गलनांक बिंदु है वो 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और MG का जो गलनांक बिंदु है वो है 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और दोनों को मिलाने के बाद में इसका जो सर्वांग गलनांक का पॉइंट आता है ये क्या है, सर्वांग गलनांक का पॉइंट होता है, सर्वांग गलनांक का पॉइंट अगर ZN और MG को मिला दिया जाए तो जिंक का 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गलनांक बिंदु और MG का 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गलनांक बिंदु जब दोनों को मिला दिया जाता है तो ये 590 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपना गलनांक बिंदु शो करता है, जिसको बुलाता है सर्वांग गलनांक बिंदु। अगर जिंक और MG को मिलाएंगे तो ये अपने नियत गलनांक बिंदु पर ही विघटित होंगे, उससे ना तो पहले विघटित होंगे और ना ही बाद में, इसलिए इनको सर्वांग गलनांक यौगिक कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास में जो यौगिक बनता है दोनों से MGZN की ट्वाइस, यहाँ ऊपर क्या है, गलित फॉर्म दी हुई है, गलित फॉर्म में इसके ऊपर AC जो बकर है वो किसको शो कर रहा है, जिंक के गलनांक बकर को शो कर रहा है, जिंक और गलित अवस्था साम्यावस्था में है, और जो MG बकर है MG के लिए ये बकर शो रहा है B बकर, जिसमें MG और गलित साम्यावस्था में होते हैं, और सर्वांग गलनांक पॉइंट जो होता है वो D को शो कर रहा है, जिसका मान होता है 590 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब इस सर्वांग गलनांक वाले यौगिक के अंदर धीरे धीरे जिंक मिलता जाता है तो इसका गलनांक धीरे धीरे कम होता जाता है, और 400 जो अपने धीरे धीरे गलनांक जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जिंक का जो गलनांक है 420 डिग्री सेंटीग्रेड उससे भी कम हो जाता है, और इधर MG के अंदर भी जिंक मिलता जाता है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जिस पर ये दोनों विघटित हो जाते हैं और वो इसका सर्वांग गलनांक का पॉइंट माना जाता है। बिंदु डी पर क्या होता है, द्रव व गलित दोनों प्रावस्थाओं का संगठन MG और ZN की ट्वाइस होता है, और A और B की तरह D भी क्या एक गलनांक बिंदु का पॉइंट माना जाता है, और A और B की तरह D भी क्या होता है एक एचर बिंदु होता है। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता कोटि का मान शून्य आएगा, और जो C और E जो हैं वो ऐसे बिंदु होते हैं जिनको बोला जाता है यूटेक्टिक पॉइंट, क्या बोला जाता है यूटेक्टिक पॉइंट। यहाँ इस ग्राफ के अंदर हमें दो यूटेक्टिक पॉइंट प्राप्त होते हैं, एक C और एक E, और यूटेक्टिक पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर C यूटेक्टिक पॉइंट है जिंक गलित और MGZN की ट्वाइस ये साम्यावस्था में है, तीन प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, ई बिंदु पर MG गलित और MGZN2 साम्यावस्था में है, प्रावस्थाएं कितनी बन गई F=C-P+1, दो कंपोनेंट तीन प्रावस्थाएं प्लस F क्या जाएगा जीरो आ जाएगा, तो C और E बिंदु है वो बिंदु ऐसे हैं जो एचर बिंदु है, जो क्या है एचर बिंदु है, यूटेक्टिक पॉइंट है जहाँ पर स्वतंत्रता कोटि का मान शून्य आता है, जहाँ पर तीन प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है, तीन प्रावस्थाएं क्या है साम्य में है।
अब देखिए यदि बिंदु x को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो x पर क्या है, गलित अवस्था है। x पर गलित फॉर्म में जैसे जैसे ठंडा करेंगे ये y तक पहुंच जाएंगे और y पर एक ठोस पदार्थ MgZn की ट्वाइस पृथक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि x पर तो गलित अवस्था थी, हमने जब इसको ठंडा किया तो y पर आ गया और y इस लाइन को शो कर रही है और इस लाइन के नीचे MgZn ट्वाइस ही प्राप्त होता है हमें, तो धीरे धीरे एक ठोस पदार्थ MgZn की ट्वाइस पृथक होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रावस्था का मान 2 आएगा और स्वतंत्रता कोटि का मान 1 आएगा, तो ये एक चर सिस्टम माना जाएगा। इसके अलावा हम क्या करें, एक और एक्स डैश और वाई डैश से भी पृथक कर सकते हैं, एक्स डैश और वाई डैश को शो करें तो एक्स डैश वाले संगठन वाले फॉर्म या गलित फॉर्म को भी अगर ठंडा किया जाए तो y पर आ जाएगा और y पर आते ही ठोस MgZn की ट्वाइस नामक पदार्थ पृथक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारा एक सर्वांग गलनांक वाला बिंदु था, एक सर्वांग गलनांक वाला सिस्टम था। एक सर्वांग गलनांक का मतलब ये हो गया कि जब हम किन्हीं दो ठोस पदार्थों को मिलाते हैं तो वो अपने गलनांक बिंदु से पहले विघटित नहीं होते, उन्हें सर्वांग गलनांक वाले ठोस यौगिक कहा जा सकता है, जिसके अंदर MgZn सिस्टम था। Zn एक ए बिंदु 420 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहां पर Zn और गलित साम्यावस्था में है और बी बिंदु 650 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर Mg प्लस गलित यानी ये दोनों साम्यावस्था में है और बिंदु डी MgZn की ट्वाइस प्लस गलित को शो कर रहा है। बिंदु सी और ई यूटेक्टिक पॉइंट है जो जहाँ पर तीन प्रावस्थाएँ साम्यावस्था में होती हैं और तीन प्रावस्थाएँ साम्यावस्था में होती हैं तो स्वतंत्रता कोटि का मान शून्य होता है। इन दोनों को मिलाने पर एक सर्वांग गलनांक का बिंदु प्राप्त होता है जिसको बोला जाता है डी और डी डैश से शो किया गई रेखा है, तो डी बिंदु सर्वांग गलनांक पॉइंट माना जाता है जिसका मान 590 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है। बकर ए सी जिंक व गलित को शो कर रहा है, बकर बी सी बी ई एम जी गलित को शो कर रहा है, डी और डी डैश के इधर का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र करें तो तीन पॉइंट प्राप्त होते हैं और बिंदु सी और ई यूटेक्टिक पॉइंट है, बिंदु सी और ई यूटेक्टिक पॉइंट है तो वहां पर प्रावस्था का मान 3 आता है और प्रावस्था का मान जब 3 आता है तो वह एक स्वतंत्रता कोटि का मान शून्य आएगा और वह एक एचर सिस्टम माना जाएगा। और यदि हम इसे एक्स जो बिंदु एक्स है वहाँ से गलित को ठंडा करना शुरू करें तो ठंडा करना स्टार्ट करें वाई बिंदु पर, वो MgZn ट्वाइस एक ठोस पदार्थ के रूप में प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार एक्स डैश से गलित को ठंडा किया जाए तो वाई डैश पर भी MgZn ट्वाइस प्लस गलित पदार्थ हमें प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। और सी और ई बिंदु एक ऐसे बिंदु हैं जहां पर प्रावस्थाओं का मान 3 आता है और स्वतंत्रता कोटि का मान 0 आता है। तो ये था हमारा MgZn सिस्टम जो एक सर्वांग गलनांक के पॉइंट को शो करता है। इसके साथ ही ये सर्वांग गलनांक का जो सिस्टम है Zn Mg सिस्टम ये समाप्त होता है और आज की क्लास भी यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।